क्या श्रीलंका का सारा कर चुका कर उसे भारत में नहीं मिलाया जा सकता है? जी हाँ, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। उससे पहले हम कुछ श्रीलंका के राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। श्रीलंका की बर्बादी के लिए गोटबाया राजपक्षे जिम्मेदार हैं। जिस नेता का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतकर शासन करना है, वो देश को बर्बाद ही करेगा। ऐसे तानाशाह टाइप के नेता अपने फैसले जनता पर थोपते हैं और किसी की सलाह नहीं सुनते। वॉर क्राइम के आरोपी गोटबाया राजपक्षे ने तमिल विद्रोहियों को बेरहमी से कुचला और लुभावने वादे करके 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। राजपक्षे परिवार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। एक, हम्बनटोटा बंदरगाह। दो, कोरोना महामारी। तीन, रासायनिक खाद पर प्रतिबंध। चार, हिंसा और घृणा। अब आते हैं, क्या श्रीलंका का सारा कर चुका कर उसे भारत में नहीं मिलाया जा सकता है? श्रीलंका को भारत में मिलाने की है तो उसके लिए कुछ मानदंड हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम हैं। इन दोनों नियमों में अंतर्राष्ट्रीय नियम पहले लागू करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम दोनों राष्ट्र के बीच की संधि। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सौहार्दता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दोनों राष्ट्र आपातकाल में एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सहायता करना चाहिए। दोनों राष्ट्र के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम। एक, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र अपने अपने सीमा का रक्षा खुद कर लेना चाहिए। दो, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी राष्ट्र अपने सीमा बढ़ाने के लिए किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं करना चाहिए। तीन, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहकार स्थापित करना चाहिए। चार, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश करना चाहिए। उपरोक्त नियम यदि देखें तो श्रीलंका को भारत में मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन यदि दोनों राष्ट्र बेहद इच्छुक हैं, तो यानी कि वहां की जनता और सरकार दोनों सहमत हैं, तो अवश्य मिलाया जा सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, मियां बीवी राजी हैं, तो क्या करेगा काजी। इसलिए दोनों देश इच्छुक हैं और दोनों देश का कोई ऐतराज नहीं तो अवश्य श्रीलंका को भारत में मिलाया जा सकता है। अगर पड़ोसी अशांत है तो हम भी सुखी और समृद्ध नहीं रह सकते, लेकिन भारत एक सीमा तक ही श्रीलंका की मदद कर सकता है। चीन नया कर्ज देने से पहले पुराने कर्ज की चिंता करेगा। अब श्रीलंका 17वीं बार IMF से भारी भरकम ऋण ले सकता है, तभी जाकर इसकी स्थिति सुधर पाएगी। इसके अलावा राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटाकर ऐसी सरकार चुननी होगी जो बुद्धिजीवियों, आर्थिक जानकारों और वैज्ञानिकों की बात सुने। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।